नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवराज सिंह। कोरोना की दूसरी लहर का कहर अब कुछ कम होता दिख रहा है, तो वहीं तीसरी लहर को लेकर सतर्कता बढ़ गई है। तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर बीते दिन दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी चेतावनी जारी की है। सीएम केजरीवाल ने सिंगापुर में कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर भारत सरकार को चेताया था। उन्होंने सिंगापुर की सभी फ्लाइट्स रद्द करने की मांग की थी। इस पर पहले भारत सरकार ने केजरीवाल को जवाब दिया, तो अब सिंगापुर की ओर से भी जवाब आया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा था। दरअसल केजरीवाल ने ट्वीट कर लिखा था, सिंगापुर में आया कोरोना का नया रूप बच्चों के लिए बेहद खतरनाक बताया जा रहा है। भारत में तीसरी लहर के रूप में आ सकता है। केंद्र सरकार से मेरी अपील है कि सिंगापुर के साथ हवाई सेवाएं तत्काल प्रभाव से रद्द हों। बच्चों के लिए भी वैक्सीन के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर काम हो। केजरीवाल के ट्वीट पर भारत में मौजूद सिंगापुर के दूतावास ने जवाब दिया है। सिंगापुर से दूतावास की ओर से कहा गया है कि सिंगापुर में कोरोना के नए स्ट्रेन पाए जाने की बात में कोई सच्चाई नहीं है। टेस्टिंग के आधार पर पता चला है कि सिंगापुर में कोरोना का B.1.617.2 वेरिएंट ही मिला है। इसमें बच्चों से जुड़े कुछ मामले भी शामिल हैं। इसके अलावा सिंगापुर की सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी मंगलवार को प्रेस रिलीज जारी कर दिल्ली के दावे को खारिज किया है। बता दें कि इससे पहले भारत सरकार ने भी केजरीवाल के आरोपों का जवाब दिया था। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर लिखा, केजरीवाल जी, मार्च 2020 से ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद हैं। सिंगापुर के साथ एयर बबल भी नहीं है। बस कुछ बंदे भारत उड़ानों से हम वहां फंसे भारतीय लोगों को वापस लाते हैं। ये हमारे अपने ही लोग हैं, फिर भी स्थिति पर हमारी नज़र है। सभी सावधानियाँ बरती जा रही हैं। गौरतलब है कि भारत में एक्सपर्ट ने चेताया है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आ सकती है, जिसमें बच्चों पर सर्वाधिक खतरा हो सकता है। ऐसे में अभी से तैयारियां की जा रही हैं। बीते दिनों ही भारत सरकार ने बच्चों पर वैक्सीन के ट्रायल की भी मंजूरी दी है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।